मैं अपने घर से निकल गया हूँ। और ये है गोलापार बाईपास। तो दोस्तों मेरे बाई तरफ यहाँ पर ये है गोलापार स्टेडियम। तो गाइस राइट साइड में ये जो रास्ता जा रहा है ये जाता है कालीचौड़ मंदिर की ओर, और इस पर भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगा है फॉरेस्ट वालों का बैरियर, और अगर आप सीधे सामने रास्ते की ओर को चले जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे काठगोदाम की ओर। और इधर ये यू टर्न लेके हमने इधर से जाना है, ये रास्ता जाता है हेड़ा खान की ओर। तो गाइस अब हम आ गए हैं हेड़ा खान जाने वाले रास्ते पर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रेवल विद हिमांशु। तो फ्रेंड्स आज है संडे और आज है सनी डे, आप देख सकते हैं मौसम इस समय बहुत अच्छी खासी धूप खिली हुई है। और आज का फ्रेंड्स जो मेरा डेस्टिनेशन है वो है हेड़ा खान मंदिर, और हेड़ा खान मंदिर की जो दूरी है हल्द्वानी से वो है लगभग 40 किलोमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक देखते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं यहाँ से अभी हिल एरिया में, और ये भी काफ़ी घना जंगल वाला एरिया है। तो गाइज अभी यहाँ पर कुछ कच्चा रास्ता देखने को मिल गया है, इसका मतलब अभी काम चल ही रहा है इधर। तो यहाँ पर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सामने वो रोड पूरी नीचे चली गई है। तो अभी इधर रोड का काम चल ही रहा है। तो चलिए गाइज आगे चलते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं। छोटा सा पैच है जो खराब हुआ है, यहाँ पर से रोड सही दिख रही है आगे। लगभग 3 किलोमीटर ही ऊपर आया हूँ यू टर्न से, और यहाँ पर से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए गाइस शानदार नजर आ रहा है। ये सामने है काठगोदाम का इलाका, और उधर दूर आप हल्द्वानी देख सकते हैं दूर तक, और सामने ये है गोला नदी, और वो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो है गोलापार स्टेडियम जहाँ से मैं अभी आया हूँ। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो ये रोड्स बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, इस पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, और यहाँ पर पेड़ों से धूप जो है छन छन के नीचे की ओर को आ रही है। तो गाइस 3-4 किलोमीटर और ऊपर आने पर हल्द्वानी शहर यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको सामने ये रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा काठगोदाम का, और यहाँ पर ये देखिए एक बादल का पैच कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस जंगल के बीच में रास्ता देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, पर रास्ता फिर से कुछ कच्चा देखने को मिल गया है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं पसौली, ये एक गांव है और ये एक मंदिर को रास्ता जा रहा है, ग्राम पंचायत पसौली। तो यहाँ पर एक ही रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो अभी इस समय मैं चल रहा हूँ पहाड़ के रिज पर। तो गाइज ये जगह पड़ती है काठगोदाम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर, और लोग यहाँ पर वीकेंड्स पर आते हैं शाम को इधर। तो यहाँ पर ये बांस के पेड़ लगे हुए हैं,
और यहाँ से रास्ता अभी थोड़ा सा डाउन है नीचे की ओर। तो गाइस अभी 10:30 बज गए हैं और मुझे अभी थोड़ी सी भूख भी लगी है, तो चलिए आगे देखते हैं कहीं पर कोई दुकान मिलती है तो उधर नाश्ता करते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है हेड़ा खान 21 किलोमीटर और रौसिला 2 किलोमीटर। तो गाइस यहाँ पर रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और यहाँ पर ट्रैफिक भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो अभी हम पहुँच गए हैं रौसिल गांव। तो गाइस ये सामने आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये जो सबसे ऊंचा पहाड़ है ये है छोटा कैलाश, और हेड़ा खान मंदिर इसी पहाड़ के बॉटम में स्थित है। गाइस ये छोटा कैलाश पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपको मेरा वो वीडियो चेकआउट करना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। तो गाइस यहाँ पर रास्ते में एक छोटी सी दुकान मिली है, तो चलिए यहीं पर चाय बनवाते हैं। तो गाइस ये है हेड़ा खान जाने वाला रास्ता, और रास्ते से लगते ही यहाँ पर ये है दुकान चाय की। यहाँ पर मैंने चाय और मैगी ऑर्डर करा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चूल्हे की चाय बन रही है और मैगी भी यहाँ पर चूल्हे की बनेगी, और मैगी के लिए यहाँ पर कट रहा है प्याज टमाटर। तो गाइस ये बन रही है एकदम पहाड़ी स्टाइल में चूल्हे की चाय। तो गाइस ये रेडी हो गई हमारी चाय, कप में नहीं लेकिन पहाड़ी स्टाइल में गिलास में। चूल्हे की मैगी का मैं आपको एक चीज बताऊं, इससे क्या होता है इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है मैगी में। तो गाइस जिस जगह पर अभी मैंने नाश्ता करा है वो जगह कहलाती है पनिया मेहता, और यहाँ पर सब मेहता कास्ट के लोग रहते हैं। और नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी जर्नी को आगे को कंटिन्यू कर दिया है। वैसे तो हेड़ा खान मंदिर की कई सारी ब्रांचेज हैं इंडिया में, लेकिन असली हेड़ा खान मंदिर यही है जहाँ पर मैं आपको अभी ले जा रहा हूँ। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं ओखलढूंगा, ये ओखलढूंगा का मार्केट है। तो गाइज यहाँ पर रास्ते में लिखा है ये बिसाड़ अमृत सरोवर नैनीताल वन प्रभाग। तो गाइज ये है अमृत सरोवर, और यहाँ पर लिखा हुआ है ये सिनार जलाशय का विस्तारीकरण। तो चलिए गाइज लेते हैं इसका एक टूर। तो एक छोटी सी पुलिया यहाँ पर बनाई गई है दोस्तों, तो गाइस यहाँ पर से ये दो रास्ते हो जाते हैं, तो लेफ्ट वाला रास्ता जाता है हेड़ा खान मंदिर को और राइट वाला हरिस्ताल को, तो हमने जाना है नीचे वाले रास्ते पे। तो गाइस यहाँ पर आगे अभी रोड का काम चल ही रहा है, और इधर सामने ये बोर्ड लगा है आपको जाना है ये ऊपर वाली रोड पर। तो गाइस मैं अभी आया हूँ इधर सामने वाली रोड से, और यहाँ पर आकर के आपको दो रास्ते मिल जाएंगे,
यहाँ पर बोर्ड में भी लिखा हुआ है हेड़ा खान जाने के लिए इधर से जाएं। तो आपको जाना है इधर लेफ्ट वाले रास्ते में। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ इस समय हेड़ा खान गांव में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी टूरिस्ट की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है पार्किंग का। तो गाइज यहाँ से डाउन में पैदल रास्ता है थोड़ा सा। इस हेड़ा खान गांव में एक मंदिर बना हुआ है जिसको कि हेड़ा खान मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह है इसका प्रवेश द्वार। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर। तो गाइस यहाँ पर लेफ्ट साइड में दुकानें बनी हुई हैं, यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। इधर भी दुकान है और सामने है मंदिर का प्रवेश द्वार। तो चलिए चलते हैं मंदिर में अंदर की ओर। तो बहुत ही सुंदर रास्ता यहाँ पर बनाया गया है और लेफ्ट साइड में यहाँ पर रूम्स वगैरह बने हैं, तो यहाँ पर टूरिस्ट और पुजारी वगैरह उनके रुकने के लिए हैं। तो गाइस यहाँ पर लेफ्ट साइड में हेड़ा खान बाबा जी की फोटो लगी हुई है। और यहाँ पर सामने लिखा है तीर्थराज हेड़ा खान महाधाम। तो गाइज यहाँ पर लेफ्ट साइड में बाबा जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है और सामने उनकी समाधि है। तो यहाँ पर मैंने अपने जूते उतार दिए हैं, चलिए चलते हैं मुख्य मंदिर के अंदर। तो गाइज ये है मुख्य मंदिर। यहाँ पर ये दरियाँ बिछाई गई हैं, शायद यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता होगा। और सामने यहाँ पर ये हेड़ा खान बाबा जी। तो यहाँ पर भजन कीर्तन का सारा सामान रखा गया है। तो यहाँ पर हेड़ा खान बाबा जी की तस्वीरें लगी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बाबा जी और उनके साथ में यहाँ पर खड़े हैं मुनिराज जी। तो दोस्तों यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी मेरे सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पुजारी जी अगर आप मुझे बाबा जी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे तो। बाबा जी के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ आपको, जितना मुझे अनुभव है बाबा जी का। जी यहाँ बाबा जी का नाम इस जगह के नाम से, ये गांव का नाम हेड़ा खान है जी। हेड़ा खान नाम से इनका नाम हेड़ा खान वाले बाबा कहते हैं जी। और एक समय में अनेक स्थान में दिखाई देना, मृतकों को जीवन दान देना, कई इनके इनने भक्तों पर अपने चमत्कार दिखाए हैं। कोई शादी चाहते हैं, कोई बच्चे चाहते हैं, कोई मकान बनाना चाहते हैं, कोई गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं। तो मतलब बाबा जी लोग अपनी मन्नतें लेकर यहाँ पर आते हैं तो उनकी आते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। पूर्ण हो गए। आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा की जय। जय हो बाबा जी। तो गाइज यहाँ पर है बाबा जी की समाधि, और ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी यहाँ पर 13-14 साल ही रहे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर समाधि ले ली।
तो गाइस ये देखिए कितना सुंदर रास्ता बनाया गया है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर बहुत ही सुंदर गार्डन मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए आप, और इस साइड बाबा जी की धुनी है जो लगातार चलती रहती है, तो उसको भी हम अभी मंदिर से लौट के आके देखेंगे। यहाँ पर आप फूल देखिए कितने शानदार हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं गौला नदी की ओर। ये देखिए गौला नदी से होते हुए पूरा रास्ता बनाया गया है मंदिर तक का। ये आप देख सकते हैं कितनी विशाल गौला नदी। तो गाइस आजकल चल रही है नवरात्रियां, तो मंदिर में काफी सारा टूरिस्ट और काफी सारे श्रद्धालु यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए छोटी छोटी दुकानें, टेम्प्ररी दुकानें यहाँ पर खोली गई हैं। तो गाइस एक छोटी सी दुकान और पहले यहाँ पर मैं चाय पी लेता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं मंदिर की ओर को। तो गाइस इस समय जहाँ पर मैं चाय पी रहा हूँ वो दुकान एकदम गौला नदी के बीच में बनी हुई है, और यहाँ पर मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ पर चाय पीने का आनंद ही कुछ और है। तो गाइस यहाँ पर आपको देखिए इंडियन ड्रेस में कुछ फॉरेनर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा एक लकड़ी का पुल यहाँ पर बनाया गया है। तो गाइस ये है मुख्य मंदिर, और आजकल नवरात्रि चल रही है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पर भंडारे का प्रोग्राम चल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। बाबा जी की गुफा बनी हुई है जिसमें वो तप किया करते थे, तो चलिए गुफा के अंदर चलते हैं। यहां तक तो आसान है, इसके आगे गाइस यहाँ पर बनी हुई है चक्की, आई थिंक इसको पहाड़ में घराट बोलते हैं। तो गाइस इधर बनी हुई है धुनी, और ये एक बहुत ही सुंदर रास्ता बना हुआ है यहाँ से। तो गाइस यहाँ पर ये धुनी चली हुई है, बहुत ही सुंदर इसको पत्तियों और फूलों से सजाया गया है। तो यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, यहाँ से लगातार पानी आ रहा है।
और इधर भी शायद ये गेस्ट रूम्स वगैरह बने हुए हैं। तो गाइस ये था हेड़ा खान मंदिर का टूर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो और एक और नई लोकेशन में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।